ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x dx का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इस फॉर्म का कुछ आंसर आता है। तो मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे जो ये a है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा इसे सॉल्व करने के लिए, पहले डिनोमिनेटर को एनालाइज करते हैं। तो ये है बेसिकली 8 माइनस साइन 2x। ओके, तो इसे अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेसिकली 8 माइनस साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब आप यहाँ देख रहे हो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन रहा है, और ऊपर में भी जब आप साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है। तो मुझे काफ़ी हिंट मिल रही है कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में मुझे कुछ लाना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं 9 1 ऐड कर दूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाता है 9 माइनस 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो 9 माइनस 1 8 होता है, और अब इस 1 को मैं कैसे लिखूंगा, ये ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, 1 को लिख लूंगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया था, तो ये आ जाता है फाइनली मेरे पास 9 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अब जो है आप क्या करो कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसे यू पुट कर दो लेट। ठीक है, तो अब अगर मुझे डीएक्स के लिए फाइंड करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, इनटू ये हो जाएगा डीएक्स, दिस इज इक्वल टू डीयू। तो अब आप यहाँ देखो आपका न्यूमरेटर जो है ये क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स। ओके, तो ये है बेसिकली डीयू। ओके, तो न्यूमरेटर मेरा हो गया डीयू, और डिनोमिनेटर क्या था, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x, जिसको मैंने किस तरीके से लिखा, 8 माइनस साइन 2x को मैंने लिख लिया 9 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स क्या है, बेसिकली मेरा u। तो ये है 9 माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर है बेसिकली अंडर रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 9 माइनस यू स्क्वायर। तो अब आपने अगर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो ऐसा कुछ होता है कि डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ जो ये ए है ये ए कितना है, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये बेसिकली मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ यू बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो अब यू की वैल्यू क्या है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आता है मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 3। तो मुझे फाइंड करनी थी ए की वैल्यू, तो जो कि डिनोमिनेटर में था यहाँ, तो मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू 3। ओके, दिस ए इज इक्वल टू 3, सो दिस इज आवर आंसर।